क्या आपको पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो एक बबल के अंदर है। अगर आपको ये बात पता चले, जिस गांव में आप रहते हैं आपको कोई बता दे कि ये गांव आपके एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको कितना बड़ा एक शॉक लगेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे पता चली है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो एक बबल से घिरा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो रिसर्च था ये नेचर ने छापा है। नेचर क्या है? नेचर एक जर्नल है। जैसे कि न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ छपते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आते हैं, वैसे ही जर्नल क्या होता है, रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, कैथरीन जकर, जो कि ये एस्ट्रोनॉमर हैं, इन्होंने ये खोज की है। इसके इतिहास में जाए तो 1973 में क्या हुआ था कि जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके चारों तरफ के जो बहुत ज़्यादा बड़ा एक एरिया है, उसके आसपास में क्या हो रहा है कि तारे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रिसर्च में मतलब पाया गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारी जो गैलेक्सीज हैं, इसमें क्या होता है, तारे बनते रहते हैं। कितनी दूरी पे? 2 मिलियन ईयर दूरी पे क्या होता है, तारे बनते रहते हैं। ये तारे कैसे बनते हैं? तारे देखिए ऐसे बनते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे यूनिवर्स, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन चारों तरफ फैले हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। अब होता क्या है कि अट्रैक्ट होते होते ये क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से घूमने लगते हैं और एक सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। और फिर हीलियम की वजह से, आप जैसे जानते होंगे, हीलियम फ्यूजन की वजह से क्या होता है, तारे बनने लगते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये बात जान के बहुत ही आश्चर्य थे कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके चारों तरफ क्या है, बहुत दूर दूर तक क्या है, कोई तारे बन नहीं रहे हैं, वो जगह पूरी खाली है और वहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें क्या है कि चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं और उन्हीं हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, जब वो कलेक्ट होते हैं तो तारे बनाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये पा रहे थे कि जो हमारा सोलर सिस्टम, इसके चारों तरफ एक ऐसा जगह खाली है जहाँ पर कोई चीज़ बन नहीं रहा है। वो इस रिसर्च मतलब वो ये इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर इसका बेड़ा उठाती है कौन, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी खास बात यह है कि इन्होंने मतलब हालांकि एस्ट्रोनॉमर हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत सारी डिग्री इन्होंने किसमें लिया है, आर्ट्स और फिलॉसफी में, ठीक है। तो जितना साइंस की डिग्री इनके पास नहीं, उससे ज़्यादा आर्ट और फिलॉसफी की डिग्री इनके पास है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो पीटर थील हैं, ठीक है, जिन्होंने पेपाल बनाया था, तो उनका भी यही हाल है कि वो भी क्या थे, फिलॉसफी उन्होंने पढ़ी थी। तो ये बड़ा एक आश्चर्य है, कभी कभी लगता है कि मैं भी फिलॉसफी पढ़ लूँ, ठीक है। तो ये जिम्मा इन्होंने उठाया, लेकिन ये जिम्मा उठाया कैसे, इन्होंने क्या किया कि एक टेलीस्कोप इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है, नासा की तरफ से। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है, GAIA, ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये क्या करता है, स्कैन करता है। इनको क्या स्कैन करना था, इनको जो स्कैन करना था, ठीक है, ये हमारा देखिए सोलर पैनल, सोलर सिस्टम है, इसके चारों तरफ के एरिया को उनको क्या था, 3D में स्कैन करना था। तो इस स्कैन करने के लिए उन्होंने क्या वो भेजा, अपना वो ऑब्जर्वेटरी भेजा। तो भेजने पर क्या हुआ, जब इन्होंने देखा, इन्होंने पाया, ठीक है, जब इन्होंने स्कैन किया तो इन्होंने ये पाया कि इसके चारों तरफ क्या है, कोई तारे नहीं बन रहे हैं। और इन्होंने जब इसको स्कैन करते करते क्या हुआ, इन्होंने इसको रिवर्स किया। इसका मतलब एक बात समझिए आप, जैसे कोई आदमी आगे जा रहा है, ठीक है, मैं आगे आगे ऐसे जा रहा हूँ, आपको कोई रिवर्स करते मैं पीछे आऊँगा, ठीक है। तो मतलब जो पास्ट में हुआ था, इन्होंने क्या कि पहले इसको स्कैन किया, फिर इन्होंने रिवर्स किया, स्कैनिंग के थ्रू इन्होंने देखा कि जो ये सोलर सिस्टम हमारा, इसके चारों तरफ क्या था, 15 ऐसे स्टार थे जिनमें सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके चारों तरफ क्या हुआ, बबल बन गया। क्या हुआ, बबल बन गया। बबल कैसे बना, एक बात आप समझिए, ठीक है, एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक मतलब क्या है, एक जैसे कि मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए कि आटा है, ठीक है, जैसे आटा का पाउडर होता है, उसमें क्या करिए, उसमें तेजी से कोई बॉल पटकी तो वो क्या होता है, उसके आटे छिटक जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। जैसे कि उस लड्डू, इसमें कुछ ब्लास्ट करी तो क्या होगा, जैसे फूट के फैल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ, जैसे बम होता है, आप देखेंगे जब उसमें ब्लास्ट होता है, परमाणु बम, उसकी जो रेडिएशन चारों तरफ से फैलती है, तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। कहाँ पे, यहाँ पे आप जैसा ये देख रहे हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सेंटर में है, इसके चारों तरफ क्या थे, बहुत सारे क्या थे, स्टार थे। कितने स्टार थे, 15 स्टार थे लगभग, ठीक है, ये सब स्टार थे। होता क्या है कि जब स्टार में क्या होता है, जो पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि फ्यूजन प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो ब्लास्ट करते हैं और सुपरनोवा में तब्दील होते हैं। तो होने से पहले तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बबल है, उस टाइम ये बबल नहीं था। क्या बबल नहीं था, यहाँ पे क्या थे, चारों तरफ क्या थे, हाइड्रोजन थे, ये सब थे, मटेरियल भरे हुए थे, गैस डस्ट पार्टिकल थे। लेकिन जब इनमें क्या होता है कि एक के बाद ब्लास्ट होता है, तो क्या होता है, जो इनके डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जैसे माने डस्ट पार्टिकल है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, क्या करेगा, अपने चारों तरफ प्रेशर पैदा करेगा। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो सारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे आके इसके चारों तरफ सर्फेस पे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जम जाते हैं। क्या होता है, इसके चारों तरफ सर्फेस से जम जाते हैं और ये जो पूरा जगह देख रहे हैं अंदर, ठीक है, ये जो पूरा जगह है वो क्या होता है, खाली हो जाता है।
ठीक है, और हमारे जैसे सोलर पैनल यहाँ भी है। अब एक सवाल उठता है ये कि अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ, ठीक है, इसके आसपास ब्लास्ट हुआ, तो हम क्या हुआ कि हम मतलब हमारा जो धरती है हमारे सब खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसका दो रीजन है। पहली बात तो अगर ब्लास्ट हुआ भी होगा तो हो सकता है उस वक्त हम ना पैदा मतलब हमारा मतलब मतलब ये ना हुआ हो, ठीक है, मतलब हम नहीं आए हों क्योंकि। और दूसरा एक रीजन है कि जब ये ब्लास्ट हो कुछ दूर भी रहे होंगे, और मैं आपको ये भी बता दूँ इन सुपरनोवा की वजह से जब ये ब्लास्ट होते हैं इनसे फायदा भी होता है। एक टाइम पे क्या था, जो धरती हमारी थी काफ़ी ठंडी थी, क्या हुआ था, काफ़ी ठंडी थी, ठीक है, तो जब ये सुपरनोवा कभी कभी ब्लास्ट करते हैं जब ये पास में होते हैं, जो इनकी हीट होती है क्या होता है, हीट होती है पास में आती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, और इससे भी क्या होता है कि जो अर्थ होता है उनको भी थोड़ा सा वो मिलता है, डस्ट पार्टिकल भी मिलते हैं, तो डस्ट पार्टिकल मिलते हैं और हीट मिलता है, तो इससे क्या होता है जीवन क्या होता है पनपता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ पानी की वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं इनकी वजह, प्रोटीन की वजह से क्या होता है धीरे धीरे जो हमारे वो मतलब जो होते हैं जो जो प्राणी होते हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं, तो यहाँ पे भी ये हुआ। तो ये जो रिसर्च है ये पाया गया कि, और उन्होंने इसमें ये भी पाया कि ठीक है कि जैसे हमारा ये बबल है इसके बगल में भी ये क्या है और एक बबल है जो कि इससे क्या है कनेक्टेड है। अब वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि जो ये बबल है, ठीक है, ये जो बबल है जो दोनों बबल है ये क्या है दूसरे से कनेक्टेड है, और ये भी उनका ये मानना है हो सकता है पहले ये एक ही बबल हो, अब क्या हो रहा है इसमें क्या हो दोनों अलग हो रहे हों, ठीक है, तो ये भी इसमें एक खास बात है। और ये भी पाया गया इसमें ये जो बबल है ये जो हमारा सोलर इसे बाहर नहीं जा सकता, इसमें ये फंसा हुआ है, इसमें फंस के क्या कर रहा है, इसमें फंस के क्या कर रहा है ये इसका पूरा चक्कर लगा रहा है। और वैज्ञानिक ये भी माने कि जैसे इस बबल के अंदर तो बाहर की चीजें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बबल एक्सपैंड कर रहा है कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि जो इसका एक्सपेंशन रेट है, ठीक है, ये जो बबल है इसके अंदर हमारा ये सोलर पैनल फंसा हुआ है, ठीक है, एक टाइम पे बाद क्या आएगा इसका जो एक्सपेंशन रेट है वो क्या हो रहा है धीमे 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 धीमा होता जाएगा, और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा ये जो इसके लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा जो सोलर पैनल है वो क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो ये पूरा एक मतलब ये पूरा एक न्यूज़ था जो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं, ठीक है, हालांकि ये रिसर्च पेपर पहले भी काफ़ी पब्लिश हो चुके थे, तो जर्नल भी मतलब नेचर में ही पब्लिश किया है, तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। आप ये सोचिए कि आप हैं हम हैं, ठीक है, कि मतलब रह रहे हैं, ठीक है, हमको कोई बता दे कि आप घिरे हुए चारों तरफ से, हमको पता भी ना चले, हमारे 50-60 साल बीत गए उसके बाद हमको पता चले कि हम जहाँ पे हम घिरे हुए हैं हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो कितना सॉफ्ट होता है। सेम चीज़ हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है कि हाइड्रोजन की लेयर है जो एक बबल के फॉर्म में है जिसमें हमारा सोलर पैनल फंसा हुआ है। तो ये पूरा लेक्चर था, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि अपने दोस्तों को ऐसी जो ऐसे लेक्चर्स हैं उनको पता भी चले और वो काफ़ी मतलब इन्जॉय भी कर सकें, ठीक है, तो थैंक यू सो मच।